forget, click the subscribe button and hit the bell icon. हेलो दोस्तों, झारखंड लाइव में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हम आज जिस जॉब की बात करने जा रहे हैं वो है जूनियर सिविल जज। ठीक है, सिविल जज है वो जूनियर डिवीजन की आई हुई है, जेपीएससी जो इसकी है नोटिफिकेशन निकाली हुई है। ठीक है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये जेपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है और ऑनलाइन जो आवेदन का सबसे लास्ट डेट है, अंतिम तिथि जो है वो है 24/12/2018। ठीक है, तो ये जो है लास्ट डेट जो है वो आप 24 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, आपको उसके लिए जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानी होगी और वहां पर अप्लाई करना है। तो जो ये जो जो पोस्ट है ये वैकेंसी की वो है सिविल जज जूनियर डिवीजन। ठीक है, हम नीचे आगे बात करते हैं इसमें, तो किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। ठीक है, अनरिजर्व में 78 है, एसटी में 17 है, एससी में टोटल 5 है। ठीक है, ओबीसी में 4 है और ओबीसी 2 में 3 सीटें हैं। टोटल जो है वो सीट वैकेंसी है वो 107 है, 107 है। ठीक है, आपको इसमें निःसत्ता का भी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो उसमें आपको जो फॉर्म भरते समय उसमें आपको जो उसमें टिक करना होगा निःसत्ता वाले में, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। ठीक है, और फिर खेल कूद कोटा के अंतर्गत भी जो है आरक्षण के दावे में आप कर सकते हैं, आरक्षण उसमें भी आप ले सकते हैं अगर खेल कूद कोटे से हैं। जो वेतन है इसमें वो आपको 27,700 रुपये से, ठीक है, लेकर 44,770 रुपये तक मिलेंगे। ठीक है, पे स्केल जो होगा वो आपको टोटल हर ईयर बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जो 27,700 से लेकर 44,770 तक होगी। ठीक है, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो है ग्रेजुएट इन लॉ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इनरोल्ड एज एडवोकेट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961 टिल लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आपको स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो 1961 के तहत निबंधित होना अनिवार्य होगा। ठीक है, और आप कैंडिडेट शुड पोजेस साउंड हेल्थ, बी एस गुड मॉरल कैरेक्टर एंड इज नॉट इन्वॉल्व इन और रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल केस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। ठीक है, तो अभ्यर्थी का उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम आचरण धारण करते हो और नैतिक निष्ठा से संबंधित आपराधिक मामले में संलिप्त हो अथवा संबंध रखते हो। ठीक है, आयु सीमा जो है वो, ठीक है, एज है वो, एज की क्राइटेरिया क्या है, तो अबव द एज ऑफ 22 ईयर्स एंड बिलो एज ऑफ 35 ईयर्स टिल मतलब 31/1/2018 तक, दिनांक 31/1/2018 तक आपको इतना एज हो रहा होना चाहिए, इससे ज्यादा यार कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है नोटिफिकेशन के। और टोटल सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसमें आपको जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, ठीक है, जीके पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजियर 1908, ठीक है, 1908 का जो सिविल प्रोसीजियर कोड है उसमें से भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजियर 1973 का है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है उससे भी पूछा जाएगा, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872, ठीक है, उससे भी, और द इंडियन पेनल कोड 1860। तो ये प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का टोटल होगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, सबसे बड़ा बात है। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मेरिट लिस्ट इसमें प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, और जो कैटेगरी वाइज है वो लोग जो 107 है उसमें वो लोग सेलेक्ट होंगे। ठीक है, फिर जब मेन एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसमें भी आपको पेपर 3-4 पेपर होंगे। ठीक है, तो पहला जो पेपर होगा वो प्रोसीजर लॉ होगा और पेपर 2 जो होगा आप सिलेबस दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, द इंडियन पेनल कोड 1860, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द रिलिमिटेशन एक्ट 1963। ठीक है, ये सब आपका सिलेबस है। पेपर 2 में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्ट 1930, एक्ट 1881 और आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सब आपको पेपर 2 में देना है। पेपर 3 की बात करें हम, द हिंदी लॉ, हिंदू लॉ एंड द मोहम्मदन लॉ, ठीक है, रेंट कंट्रोल लॉ, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 और ज्यूरिसप्रूडेंस जो है वो, उसको भी आपको पेपर 3 में देना है। पेपर 4 जो है वो लैंग्वेज पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश ऐसे लिखना है, उसमें प्रिसाइज राइटिंग है, ट्रांसलेशन है एंड पैराफ्रेज वगैरह दिया होगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ मेन गलती 3 आवर्स फॉर इच पेपर, हर पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे समय मिलेंगे।
ठीक है, सभी एग्जाम में आपको अपियर होना जरूरी है, और वाइवा टेस्ट भी होगा, आप 100 मार्क्स का वाइवा होगा, ठीक है। इन द वाइवा बुक टेस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफाई मार्क्स विल बी 25% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 20% फॉर SC ST OBC, ठीक है। तो वाइवा जो होगा उसमें 25% जनरल कैटेगरी वाले लोगों को ला रहा है, और 20% 20% आपको SC ST और OBC वाले लोगों को लाना है। फाइनल सिलेक्शन जो प्रिपेयर होगा उस पर मार्क के बेसिस पे फिर वो आपको उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको किसी तरह की जरूरत नहीं है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं jpsc.gov.in पर, और अपना पूरा डिटेल्स है वो फिलअप करें। और जो उसमें फी की है तो जनरल वाले लोगों के लिए या फिर OBC वाले लोगों के लिए कितना है, 600 रुपया है प्लस बैंक चार्ज है। और जो अनुसूचित जनजाति है SC ST है उनको 150 रुपये प्लस बैंक चार्ज दिया जाएगा। और जो निःशक्त अभ्यर्थी है उनको परीक्षा में शुल्क में छूट है, ठीक है। उसमें कितना है, उस लोगों को फी नहीं लगेगा जो हैंडीकैप्ड है, ठीक है। कम से कम 40% संघर्षता के बाद निश्चित अभ्यर्थियों को छोड़कर अभी शुल्क भुगतान किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और विरोध किए जाएंगे। तो 40% अगर आपका फिजिकली डैमेज है आपका बॉडी, तो वो उनको फी नहीं देना होगा, ठीक है। आपको किसी तरह का जो फिलअप करने का फॉर्म फिलअप करना है उसमें आपको किसी तरह का कोई पेपर अटैच नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ ऑनलाइन जो भी रिक्वायर्ड है जो भी उसमें भरने के लिए बोल रहा है आप उसको सिर्फ भरे, ठीक है। और वैसा कुछ इसमें नोटिफिकेशन नहीं है आपको, ठीक है। अपना सारा डिटेल्स उसमें फिलअप करिए ब्लॉक लेटर में, और फिर स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा उसमें, ठीक है। और जो भी उसमें रिक्वायर्ड ऑफ है आप उसमें देख सकते हैं। अंतिम तिथि जो है वो 24/12/2018, 24 तारीख तक आप फिलअप कर सकते हैं। तो जाइए अभी और फिलअप करिए, और झारखंड लाइव से बने रहिए, हम पल पल के आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।